कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई। मैंने बोला वो लोग रास्ते पे कैमरा नहीं निकालने देते तो क्या यहाँ तक जाने देते हमें। और 17 नवंबर 1913 तब यहाँ पर 1500 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों को मारा गया था, जो जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड माना जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और नवी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया, आई होप आप भी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं अभी संजय भाई के घर पे हूँ। आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो था। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया तो जल्दी देखो, वहाँ पे कैंपिंग हुई थी और सब कुछ खाना साना बना के खाया था वहाँ पर। बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अभी सुबह के 8:30 बज गए और हम लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी संजय भाई के घर पे नाश्ता वास्ता करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अभी मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, आपने देखा है, और हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नाश्ता करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और आज हम किस जगह पे जाने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ से निकलते वक्त बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। अभी दोस्तों निकलने का वक्त हो गया है और अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अभी संजय भाई के घर से हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पानम डैम जा रहे हैं। तो ये जो पानम डैम है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसकी वजह से हम पहले वहाँ जाएंगे, फिर मानगढ़ पे जाएंगे। और रात को मैंने अच्छे से ये सब देखा नहीं था व्यू, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ों में है, उसकी वजह से रात में यहाँ पर लाइट वाइट कुछ है नहीं तो अच्छे से दिखाई नहीं दिया। तो अभी देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। तो आप भी थोड़े नज़ारे के मज़े लीजिए। ओ भाई कितना ऊपर बने, डीप बोलते हैं उसको। आ गया डैम भाई, ठीक है तो पार्किंग करते हैं फिर दिखाते हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं पानम डैम। ऐसे नज़ारे पीछे और चलते जो वो वाला सब कुछ दिखाओ, कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर जाना है तो जाएंगे, कहाँ से जा रहे हैं? भाई वहां पर जाने देते ऐसे नहीं, वहां पर नीचे तक जा सकते हम। कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई। मैंने बोला वो लोग रास्ते पे कैमरा नहीं निकालने देते तो क्या यहाँ तक जाने देते हमें। क्या बोलता है? नहीं, हम ज़्यादा आगे जाके रिस्क नहीं ले सकते हैं तो नहीं जाएंगे। अपने क्या है, क्या बोलते संजू भाई, आप कुछ बोल रहे थे? मानगढ़ चलते हैं, देखते हैं वो। तो मानगढ़ बहुत ही बढ़िया है उसका। आप बोल रहे थे मुझे बहुत ही अच्छी स्टोरी है कुछ। वो कितना 1000+ लोगों को वहां पर मार डाला था वैसा कुछ है, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उससे भी ज्यादा लोग को वहां पर मार डाला था। अपने देखेंगे, वहां पर जाएंगे। रास्ता मैंने नहीं देखा है, हम इनके सारे आए, भाई के सारे। और ये पानम डैम आपने देखा,
और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है यहाँ पर आने के लिए, और चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं पानम डैम से और हम जा रहे हैं मानगढ़, तो मिलते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर में आता है, वो जो आपको सामने दिख रहा है वो वाला, आपको दिखता है कि नहीं पता नहीं, मैं आपको रुक के दिखा देता हूँ। तो वो जो दिख रहा है वही हमें जाना है, लेकिन वहाँ से रास्ता बहुत लंबा है तो हम जल्दी से जाते हैं वहाँ पे जाके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखो पूरा खतरनाक व्यू है। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा जो माइक था वो बंद हो चुका है, तो वो सब बातें जाने देते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं मानगढ़ हिल पर, जिस जगह का हमें कब से इंतज़ार था और बहुत लंबा रास्ता था, तो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो उनकी याद में बनाया गया है, कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे जो आदिवासी समाज, जो भील समाज लोगों के समाज सुधारक थे, और अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर गुरु गोविंद सिंह जी के 1500 से ज़्यादा अनुयायियों को यहाँ पर मार डाला था, और उनकी ही याद में यहाँ पर ये बनाया है। और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का मंदिर भी है। ये जो जगह है वो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर के बीच में पड़ता है ये, और आगे आप देखो और रास्ते का नज़ारा तो कैसा लगा आपको वो कमेंट कीजिए। मैं तो दोस्तों यहाँ पर उसके थोड़े साइड में 300 मीटर 200 मीटर ही दूर पर यहाँ पर जो गुरु गोविंद थे उनका यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। ये थे गुरु गोविंद जो आदिवासी समाज सुधारणा के लिए काम करते थे, और 17 नवंबर 1913 ये देखो लिखा हुआ है नीचे, तब यहाँ पर 1500 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों को मारा गया था, जो जलियांवाला हत्याकांड से भी बहुत ही बड़ा हत्याकांड माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर पास में ही एक मंदिर पड़ता है जो गुरु गोविंद जी का है, तो आप समझ सकते हो कि गुरु गोविंद जी आदिवासी समाज के लोगों के लिए कितना काम किया होगा, तब जाकर यहाँ पर उनका मंदिर बनवाया गया था। तो ऐसा कुछ है, ये देखो मंदिर है, बाहर सब मार्केट लगती है यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर देखने का लास्ट प्लेस है। तो दोस्तों ये था गुरु गोविंद जी का मंदिर, और आपने जो आगे का स्मारक देखा वो भी गुरु गोविंद जी के जो अनुयायी थे 1500 उनके लिए ये बनवाया गया था। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, और तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। Approximately 10 hours later. तो दोस्तों अभी रात के 3:30 बजे है और हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए संजय भाई के घर से, क्योंकि कल रात ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई मानगढ़ पे, और हम लोग ना कैमरा निकाल पाए ना कुछ भी,
हम लोग वैसे ही वहाँ पर स्टॉक हो गए थे। पूरे 3 घंटे हम वहाँ पर बैठे रहे और इतनी तेज से बारिश हुई कि मतलब हम निकल ही नहीं सकते थे। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ तो फिर हम भीगते भीगते हुए निकल चुके और पूरे हमने 4-5 घंटे बारिश में, तेज़ बारिश में हमने राइड करने के बाद हम संजय भाई के घर पे पहुंच गए थे। अब हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं घर जाने के लिए और यही है अपडेट में। तो अब चलते हैं घर पे। अभी तो पूरा 120 किलोमीटर बाकी है यहाँ से घर जाने के लिए। भाई के गांव से बाहर ही निकल रहे हैं जस्ट, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो अभी चलते हैं घर पे। तो दोस्तों, संजय भाई के घर से हम लोग 3:30 बजे सुबह में निकले और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 8 बजे पहुँच चुके थे। और ऐसा हुआ कि हम लोग रात को ही निकल जाने वाले थे लेकिन इतनी बारिश हो रखी थी कि मैं वहाँ पर वीडियो ही नहीं बना पाया और उसकी वजह से वीडियो एंड करने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वाली सीरीज़ कैसी लगी वो आपको बताना है, कमेंट करना है। और यहाँ का मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वो आपको जल्दी जाओ वहाँ पर फॉलो करो और आपके जो दिल के ख्याल आते वहाँ पर शेयर कीजिए। जो भी इस चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब करें, पुराने वो लाइक कर दे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन।